दोस्तों अब आ गई है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मशहूर फूड चाट धोराजी फूड स्ट्रीट पर। पाकिस्तानी फूड चाट जो कि 55 साल पहले नर्सरी पर ओपन हुई थी, अब उन्हीं की सेकंड ब्रांच ओपन हो चुकी है फूड लवर के लिए धोराजी फूड स्ट्रीट पर, जहां पर इनकी मशहूर जमाना क्रीमी फूड चाट और मसाला चाट के साथ आपको मिलने वाले आइसक्रीम मिल्क शेक्स और अलग अलग मजेदार डिजर्ट्स भी। और यही नहीं बल्कि इनकी ग्रैंड ओपनिंग पर लगा था 50% डिस्काउंट भी। तो फिर फूड चाट लवर तैयार हो जाओ धोराजी पर मजेदार फूड चाट और जबरदस्त डिजर्ट्स के लिए, क्योंकि इतने मजेदार चाट्स को खाना तो बनता है। तो दोस्तों जो आपने इतने जबरदस्त आइटम देखे ये आपको मिल रहे हैं, एक बिल्कुल ग्रैंड ओपनिंग हुई है पाकिस्तानी फूड चाट जो के काफी साल पुरानी नर्सरी की बहुत जबरदस्त चाट होती है, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उन्होंने अपनी एक दूसरी ब्रांच ओपन के लिए धोराजी फूड स्ट्रीट पर, और आज इनकी बिल्कुल ग्रैंड ग्रैंड ओपनिंग है। और यहाँ पर आपको सिर्फ फूड चाट ही नहीं बल्कि दूसरे दीगर आइटम भी मिलते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के मिल्क शेक और हर किस्म के डिजर्ट वगैरह मतलब सब है। तो चले इस फ्रूट चाट शॉप के अंदर चलते हैं और आपको बताता हूँ कि इनकी प्राइसेस क्या है, टेस्ट कैसा है और उसके अलावा लोकेशन भी बताऊंगा। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद जो आपने न्यू ब्रांच पाकिस्तान फूड चाट की ओपन कर लिया धोराजी फूड स्ट्रीट पर। खैर मुबारक। तो अच्छा आप मुझे बिल्कुल शुरू से बताएंगे कि पहली ब्रांच आपकी कहाँ पर है और आपने कितना टाइम हो गया उसको ओपन करे हुए? 69। अच्छा 69 से नर्सरी से। अच्छा 69 से आपने शुरू करा था? जी जी नर्सरी पर। जी जी ठीक है। और उस वक्त आप मतलब ये पूरे आपके ही शुरू से ही आपने संभाला हुआ उसको? हाँ बिल्कुल अल्लाह को। अच्छा उसके बाद अब आपने यहाँ पर ये धोराजी फूड स्ट्रीट पर अपनी नई ब्रांच ओपन करी है, तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि अब इसकी ब्रांच करनी चाहिए आपको? हमें बहुत लोगों ने बोला है, ऑफर थी, लोग कहते ब्रांच खोलो धोराजी में, हमने खोल दी माशाल्लाह। तो अब ये इधर कौन कौन से आइटम मिलेंगे जो लोग आएंगे आपके पास, अब उनको क्या क्या मिलने वाले हैं आपके पास? आइसक्रीम में पूरे आइटम मिलेंगे, जूस में पूरे आइटम मिलेंगे, और फलूदा वगैरह चाट हर आइटम मिलेगी अल्लाह को हुक्म से। अच्छा हाजी साहब हमने धोराजी पर इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम ट्राई करे हुए, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि हमने आपकी नर्सरी स्टॉप पे जो चाट खाई है, वो तो हमेशा दूर दूर से लोग खाने आते हैं, आपका माशा से नाम बन चुका है, एक ब्रांड बन चुकी है, तो आप वही वाली आप क्वालिटी इधर देने वाले हैं इंशाल्लाह? उससे भी अच्छी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग पे कितना ज़्यादा रश है और कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, जो इन्होंने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दी हुई है 50% की, तो उसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर रहे हैं इनकी ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन। ओपनिंग का तो वो हमें पता चला था, दोस्तों ने बताया था कि आज धोराजी में एक नई ब्रांच खुल रही है पाकिस्तानी फ्रूट चाट की, तो इस वजह से आ गए थे यहाँ पर, हमने बोला ट्राई करें किस तरीके से, वही चीज़ है सेम टू सेम माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और यहाँ आके पता चला कि ओपनिंग पे इन्होंने माशाल्लाह 50% डिस्काउंट भी रखा है, तो हमें और फायदा हो गया। अच्छा आज आप आइसक्रीम लेने आए यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग में? जी जी। तो आपने अभी मुझे बताया कि आप इससे पहले भी ले चुके? मैं अभी 5-10 मिनट पहले आया था, बहुत अच्छी लगी, घर वालों ने कहा और ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब आपने इससे पहले जो टेस्ट करी थी वो कौन से वाला फ्लेवर था? मैंने कुल्फा और पिस्ता दोनों टेस्ट किए थे। ठीक है, मतलब आपको इधर का जायका अच्छा लगा? 1 लीटर ली थी मैंने, अभी 3 लीटर और लेने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इधर ये आइसिंग की प्राइस क्या आप मुझे बताएंगे? बहुत रीजनेबल है, अभी ये 300 रुपए का लीटर दे रहे। ठीक है, और इन्होंने ग्रैंड ओपनिंग में 50% की डिस्काउंट ऑफर भी दी हुई है। जी 50% डिस्काउंट ऑफर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस आइसक्रीम के अलावा आपने कुछ और टेस्ट करा है इधर? अभी तो आइसक्रीम के बाद आगे जाएंगे तो टेस्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों पाकिस्तानी फूड चार्ट में मैंने एक और बिल्कुल यूनिक सी चीज देखी है, वो है यहाँ की आइसक्रीम जो कि इनकी दूसरी ब्रांच पे पहली वाली ब्रांच पे नहीं मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हम क्या सुन रहे हैं कि यहाँ पर आइसक्रीम मिलेगी हम लोगों को? जी जी आइसक्रीम भी है। तो ये कौन कौन से फ्लेवर में मिलेगी आइसक्रीम में? पिशावरी वैनिला, पिस्ता, कुल्फा, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, फ्रूटी फ्रूटी, मतलब सब फ्लेवर मौजूद है यहाँ पे जो कि पब्लिक पसंद करती है। जी जबरदस्त हो गया। और ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस आज के लिए आफ्टर 50% डिस्काउंट 90 रुपीज की है, डबल स्कूप। ठीक है, मतलब आज ग्रैंड ओपनिंग पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है इस पे? जी 50% डिस्काउंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके जो नॉर्मल प्राइस है वो क्या है? नॉर्मल प्राइस डबल स्कूप की 180 है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपके जो बहुत ही फेमस पाकिस्तानी फूड चाट है नर्सरी वाला जो टेस्ट है वो अब हमें यही धोराजी पर वही वाला मिलेगा या चेंज है? नहीं जरूर इंशाल्लाह वही टेस्ट मिलेगा, वही म्यार मिलेगा, वही क्वांटिटी मिलेगी और वही चीज मिलेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फ्लेवर वही है आपके पास जो एक क्रीम वाली चाट होती थी और एक नॉर्मल वही दोनों चाट जो वहाँ पे थी और वही चाट यहाँ पे, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको वही वाला फ्लेवर
जो 1969 से फ्लेवर पाकिस्तान फूड चार्ट का मिलता रहा है नर्सरी स्टॉप पे, वो आपको अब धोरा जी की फूड स्ट्रीट में मिलेगा। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, कितना ज्यादा रश हो रहा है। जो फ्रूट हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं वही फ्रूट यहाँ पे इस्तेमाल, वही चीज इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब और सीजनल जो फ्रूट आते हैं फ्रेश फ्रेश से वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है आज तो ऑफ डे है, यानी कि 50% ऑफ पे है। वैसे 160 की पड़ेगी आपको फ्रूट क्रीम, और 140 की पड़ेगी प्लेन चाट। ठीक है, 140 की जो नॉर्मल चाट है उसके अलावा 160 की फ्रूट क्रीम वाली है, जो कि आज के डिस्काउंट ऑफर पे आपको बिल्कुल आधी कीमत में मिल रही है। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए डिस्काउंट दिया है, ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी फूड चार्ट पे आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के मिल्क शेक्स मिलते हैं, साथ में फ्रेश जूसेस भी मिलते हैं अलग अलग किस्म के। तो आप मुझे बताओ कि कौन कौन से फ्लेवर के मिल्क शेक मौजूद है? ये हमारे पास काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अंजीर है, खजूर है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, और जूस में ये अनार है, मौसमी है, और माल्टा है, ये सेब है, बनाना शेक है। जितने भी सीजनल आपको फ्रेश फ्रूट होते हैं उनके आपको यहाँ पे फ्रेश जूसेस मिल जाएंगे। उसके अलावा जो फ्रूट्स के मिल्क शेक है वो मिल जाएंगे, साथ में ड्राई फ्रूट्स के भी मतलब मिल्क शेक मौजूद है। भाई मजा आने वाला है यहाँ पे लोगों को। मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी शौकीन हजरात हैं मिल्क शेक के, जूसेस के और डिजर्ट्स के, वो यहाँ पे लाजमी आके इनको ट्राई करें, क्योंकि हर किस्म की वरायटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों हमारे पाकिस्तानी फूड चाट के सभी आइटम आ चुके हैं, जो कि इनकी स्पेशलिटी है क्रीम वाले चाट, वो हमने मंगवाई है, साथ में सादा चाट भी मंगवाई है, जो कि सादा तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। उसके अलावा जो डिजर्ट स्पेशलिटी में उसमें हमने मंगवाई है इनकी रबड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक और मज़ेदार से लग रही है। और उसके बाद मिल्क शेक्स मंगवाए जिसमें अंजीर और काजू है, साथ में वनीला आइसक्रीम। मतलब इतने सवाल से जो इनका मेन्यू है वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा से लग रहा है, लेकिन मैं टेस्ट करके आपको बता दूँ टेस्ट में कैसा है। तो बिना रुके सबसे पहले जो मेरे लिए इनकी पाकिस्तानी फूड चाट की मोस्ट फेवरेट है इनकी क्रीम वाली चाट, उसको टेस्ट कर दो। इतने सारे सीजनल फूड के साथ जो जबरदस्ती क्रीम वाली चाट बनाए उसको टेस्ट करते हैं इनके साथ। भाई बागी में बहुत ज़बरदस्त है फूड का, बहुत अच्छा सा फ्लेवर और क्रीम की थिकनेस के साथ काफ़ी जबरदस्ती, हमेशा की तरह मेरे तो ये मोस्ट फेवरेट चाट है। उससे जो इनकी सादा चाट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, फूड को काफ़ी अच्छे से मिक्स कराया है, और जो फूड की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद रबड़ी भी यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी थिक और बहुत ज़्यादा लच्छेदार है इनकी ये रबड़ी। मतलब जो इनका जितना भी मेन्यू है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी में पाकिस्तानी फूड चार्ट ने जो अपनी ग्रैंड ओपनिंग करी है यहाँ पे धोराजी फूड स्ट्रीट पे, और उसमें जो इनकी फर्स्ट ब्रांच है उससे भी ज़्यादा आइटम इन्होंने ऐड किया, तो बाकी में मुझे तो आगे यहाँ पे मज़ा आ गया। ग्रैंड ओपनिंग के बाद भी दीगर आइटम बहुत सारे यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब धोराजी फूड स्ट्रीट पर जो आते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी फूड चार्ट पे आके उनके जो मज़ेदार टेस्ट है उनको एंजॉय कर सके। मैं धोराजी भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज करी है, लेकिन ऐसा टेस्ट मुझे इससे पहले किसी भी और शॉप पे नहीं मिला है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप यहाँ पे लाजमी है इनके टेस्ट को एंजॉय करें, इनकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है। और आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।